हाँ भाई, फिर फेल हो गया दूसरी बार भी। भाई मैं साइंस के काबिल ही नहीं हूँ। भाई यूपीएससी सफल होना आसान थोड़ी है। कितने लोग सालों साल मेहनत कर रहे, फिर भी नहीं हो पाता। और भगवान तो तुझे स्वयं साक्षात 2 साल से असफलता दे रहे, फिर भी तू समझता नहीं। अबे नौकरी कर और बूढ़े बाप का सहारा बन, छोड़ यूपीएससी यूपीएससी। मेरे बाबूजी ने अपनी जीवन भर की पूरी कमाई मेरे भविष्य पर लगा दी और एक मैं हूँ जो एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। अरे भाई यूपीएससी मजाक थोड़ी है। हर साल 2 लाख बच्चे आके बस जाते मुखर्जी नगर में, और हर किसी के सपने पूरे थोड़ी होते हैं। मुझे पता है भाई, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। साहिल भाई कोशिश करना अलग बात है और बार बार फेल होना अलग बात। तू यार कब समझेगा ये बात कि तेरे लिए नहीं बना यूपीएससी। शायद तू तो ठीक ही बोल रहा भाई। मैं भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? टेंशन वेंशन छोड़ और पकड़ जा एक पैग ले और भूल जा सारी टेंशन। तेरा भाई भी तो फेल हो गया यार। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी, वो साहिल की थोड़ी तबीयत खराब थी। साहिल साहिल उठ, बाबूजी आए। उठ साहिल। अंकल उठ ही नहीं रहा। ये लो, इसे दे देना, इसकी मनपसंद टॉफियां, और कह देना कि ये अपने बाबूजी के लिए मर चुका है। अंकल अंकल, अबे उठना बहनचोद। साहिल राजकुमार, भोसड़ी के बड़ा एहसान कर दिया। क्या बक रहा है भाई? अबे चूतिये, बाबूजी आए थे तेरे। सच में उठाया क्यों नहीं तूने मुझे? अबे भोसड़ी के, इतनी कोशिश करी तुझे उठाने की, पर आम तरीके से सोए तब तो उठे ना। इतने नशे करके सोगा तो क्या घंटा उठेगा? यार यार, वो तो कॉल भी काट रहे हैं यार। काफी गुस्से में गए हैं वो यहां से। आदत अक्सर ले डूबती है, फिर मैं कहाँ बचने वाला था। जब नशे के लिए पैसे खत्म हुए, तब एक एक करके मैंने अपनी जरूरत की हर चीज बेचनी शुरू कर दी। मुझे अपनी औलाद पर यकीन है, वो एक दिन जरूर कामयाब होगा और उस दिन तुम सबके मुंह पे उसकी कामयाबी का चांटा पड़ेगा। मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा। बेटा खूब मेहनत करना और पीछे मत हटना। तुझे अपने बाबूजी का नाम रोशन करना है। आपकी दी हुई फीस मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। बाबूजी माँ खुश है,
और वो हमारे साथ ही है, हमारे दिलों में। साहिल भाई, 2 लाख बच्चे आते हैं हर साल और सक्सेसफुल होते हैं केवल 25-30, बाकी 1,99,730 रह जाते हैं जीरो घिसते हुए। ये लो, इसे दे देना, इसकी मनपसंद टॉफी, और कह देना कि ये अपने बाबूजी के लिए मर चुका है। क्या हुआ मित्र, उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, बस जिंदगी से हार गया हूँ। हार गए हो? क्यों? क्योंकि 2 बार UPSC का अटेम्प्ट दिया और दोनों बार फेल हो गया। सोचा बाबूजी हमें कैसे पढ़ाई लिखाई, अब मैं उनको कैसे अपना चेहरा दिखाऊं। इसी डर से मैं और ज़्यादा डरने लगा और सूखे नशे शुरू कर दिए। आज बाबूजी उस हालत में मेरे को देख चुके हैं तो मैं आज अंदर से पूरी तरह टूट गया हूँ। हो तो काफ़ी कुछ गया है, पर मित्र हारना नहीं है, लड़ना है। और वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सी ताकतें हैं। ताकतें? मैं सिर्फ एक फेलियर हूँ। फेलियर? फेलियर नहीं हो तुम। तुम अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हो, और संघर्ष करना ही बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन मैं और संघर्ष नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ और वैसे भी अब सब कुछ खराब हो चुका है। मेरे पास कोशिश करने की भी अब हिम्मत नहीं बची है। हिम्मत है, बस कमी है तो विश्वास की, अपने स्वयं पर विश्वास की। मित्र अपने मन में झांको, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अवश्य ही इन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मुझे इतना मोटिवेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मित्र मैं भी तुमसे अलग नहीं हूं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, पर कभी हार नहीं मानी। और एक समय वो भी था जब मेरी प्रेमिका की शादी किसी और से हो गई। उस दिन मैं बहुत रोया, पर अगले ही दिन मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया और मैं आगे बढ़ गया। मित्र फिर एक समय ऐसा भी आया कि मेरे प्रिय मित्र का संघर्ष मेरा संघर्ष बन गया। उसके परिवार के आपसी मतभेद, फिर क्या, काफी वाद विवादों के बाद, धर्म युद्ध के बाद उन्हें अपनी भूमि वापस मिल ही गई। मैं समझ गया, थैंक यू। ठीक है मित्र, मैं चलता हूं, पर एक बात ध्यान रखना, हारना नहीं है, लड़ना है।
रामित खाना लगा दे। भारत सरकार सॉरी बाबूजी, मैं रास्ता भटक गया था। चल पागल, तूने आज अपने बाबूजी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आजा बेटा, आज दोनों बाप बेटा एक साथ रोटी खाएंगे। चलिए बाबूजी।